वी द पीपल, हम भारत के लोग। ये वीडियो प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स जो लिटरेचर में जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों में, उनके लिए हैं। वी द पीपल में अधिकतर लोग नेटवर्किंग के तहत में आपस में बहुत तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्टिव है, जुड़ना है और जोड़ना है। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स या इंटरमीडिएट स्कूल के टीचर्स आपस में बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ को भी जुड़ना है और यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं और जो स्टूडेंट हैं या जो उनका स्टाफ है उसको भी जुड़ना है। क्यों जुड़ना है, क्या फ़ायदा है? दरअसल जो प्रोफेसर्स और जो डॉक्टर्स होते हैं वो समाज के इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी माने जाते हैं, क्योंकि अधिकतर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं वो उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं और उस लिखे हुए को समझते हैं कि किस व्यक्ति ने इस किताब में क्या लिखा है। दरअसल वो उस राइटर की बुद्धि को पढ़ते हैं और फिर उसमें वो रिसर्च करते हैं, तो ये उनका एक मानसिक काम होता है जिसे वो करते हैं, खोजबीन का काम। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं वो सारे के सारे रिसर्चर भी होते हैं, रिसर्च भी करते हैं, अलग अलग किताबों से ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, किताब बनाते हैं। तो समाज में जब कोई ऐसी समस्या आती है जिस समस्या का समाधान सही रूप में चाहिए, तो उसको जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो किताबों से ढूंढ के ला के देते हैं। वैसे भगवान बुद्ध ने किसी किताब से कुछ ढूंढा नहीं, किताब कभी थी भी नहीं। भगवान बुद्ध का जितना भी ज्ञान है वो उनका नैसर्गिक है, नेचुरल है, जो उन्होंने खुद पैदा किया, खुद डेवलप किया। ऐसे ही कबीर साहब का कह सकते हैं, और बाबा साहब ने भी अधिकतर जो ज्ञान दिया वो खुद अनुभव के आधार पर दिया जो किताबों में लिखा था। किताबें उन्होंने बहुत पढ़ी हैं, उन्होंने एग्जाम्पल कोट किए हैं, मगर जो ज्ञान है उनका मौलिक ज्ञान है, उसको नेचुरल या मौलिक बोलते हैं। ये बड़ा माना जाता है क्योंकि सारे लोग इसको बाद में फॉलो करते हैं। तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, पूरे भारत के जो प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स हैं उनका कोई संगठन एक नहीं है, उनके छोटे 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 ग्रुप्स बने हुए हैं और उन छोटे छोटे ग्रुप से छोटी छोटी समस्याएं सॉल्व होती हैं, बड़ी नहीं होती हैं। पिछले दिनों एक रैली हुई थी जिसमें उनकी एक समस्या थी कि उनको एडॉक से निकाला जा रहा है या एडॉक बेसिस पर रखा जा रहा है या उनकी पोस्टें कम हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे और दिल्ली के जो एक एरिया है, खास एरिया है, वहाँ से वो रैली स्टार्ट हुई थी, जंतर मंतर तक पहुँची थी। तो उसमें वो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, मगर वो एक जो उनके साथ में घटना घटी उसके तहत में वो इकट्ठे हुए अपने जो लाभ हैं उनको प्राप्त करने के लिए। मगर जो लाभ उनको बाबा साहब को देने हैं उसका क्या, पहले इसको समझें कि बाबा साहब को कौन से लाभ देने हैं। कोई भी जो डॉक्टरेट है या जो कोई भी प्रोफेसर है वो बाबा साहब से पहले नहीं था, यानी कि काबिलियत उनके अंदर होगी, उस समय भी लोग होगी, मगर मौका नहीं था, पढ़ने का मौका नहीं था, जानकारी का नहीं था। इसलिए बाबा साहब से पहले कोई भी डॉक्टरेट या कोई भी प्रोफेसर पीएचडी या एमफिल कोई था नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने मौका दिया। तो बाबा साहब ने जब मौका दिया तो जो सीट उनको मिली वो सीट इसलिए मिली क्योंकि उस समय जो 7 करोड़ लोग थे एससी के, उन एससी 7 करोड़ लोगों के एवज में 14% सीटें मिली। यानी जो सीटें, जिन सीटों पे वो पीएचडी कर रहे हैं या जिन सीटों पे वो एमफिल कर रहे हैं या जिन सीटों पे वो आज प्रोफेसर या डॉक्टर हैं या नौकरी कर रहे हैं या पढ़े हुए हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो वो सीटें उनकी नहीं हैं। वो सीटें जो 7 करोड़ लोग उस समय थे या आज 22-23-25 करोड़ लोग आज हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन में, उनके अनुपात में, उनकी परसेंटेज में वो सीटें उनको मिली हैं। तो सीटों पे हक उनका नहीं है, वो तो किसी ना किसी को मिलनी ही थी, यानी उन संख्याओं के आधार पे। तो इसका मतलब कि जो भी लोग प्रोफेसर या डॉक्टर बने हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, वो इंटेलेक्चुअल होंगे, मगर अधिकार जो मिला है उन्हें, जो उन्हें डिग्री मिली है, जो उन्हें पढ़ने का राइट मिला है, वो उन लोगों का है जो गांव में हैं, जो शहरों में हैं, जो अनपढ़ हैं, जो परेशान हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, जिनको पे बैक नहीं हो पाया, जिनको वो प्रोफेसर और डॉक्टर पढ़ाने नहीं पहुंचे। क्योंकि जो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उसका पैसा आपको मिलता है, वो सर्विस जो आप देते हैं, वो गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, उसमें जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें पूरे भारत के 70 तरह के बच्चे होते हैं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटियों में वो उनके होते हैं जो जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा रिच हैं, पैसे वाले हैं या साधन संपन्न हैं।
मगर जो गांव में है, जो बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, जिसको कह कह के भी नहीं आता, जो पहली दूसरी क्लास का भी नहीं है, जिसको अक्षर का ज्ञान भी नहीं है, सीट उसकी आप लेके आए हैं। तो आपने सैलरी ली, बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, खूब काम कीजिए, मगर जिस काम के लिए बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं वो समाज कभी पीछे नहीं जाता, उसका मतलब ये है कि आपको बाकी टाइम में सैटरडे संडे छुट्टी या ऑफ, जो आपका ऑफ होता है उसमें आपको उन झुग्गी में झोंपड़ी में गांव में जाना है, पढ़ाना है। ये बाबा साहब का पे बैक है। पैसा दे के पे बैक नहीं होता। आपने पैसा दिया होगा कहीं और आपने कहा पे बैक हो गया, उससे पे बैक नहीं होता। आपको वहाँ क्लासेस लगानी पड़ेंगी, आपको वहाँ स्कूल खोलने पड़ेंगे, आपको वहाँ यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेंगी, आपको उन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। सरकार नहीं पढ़ाएगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बाबा साहब के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी पहली बाबा साहब के उन लोगों को है जिन्होंने प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन ली है, जो पढ़ा रहे हैं, या जो हायर सेकेंडरी स्कूल की है, या जो इंटरमीडिएट स्कूल की है, या जो बहुत हायर एजुकेशन में है, या जो लोग और भी सेक्टर में हैं और पढ़ गए हैं। तो इस सब का एक हब बनना चाहिए, वो हब आपने नहीं बनाया। इस सब का एक नेटवर्क बनना चाहिए, वो आपने नहीं बनाया। इस सब का एक कार्यक्रम बनना चाहिए, वो आपने नहीं बनाया। आप ही को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही पढ़े लिखे हैं। वो जो गांव में बैठा हुआ बच्चा है वो नहीं जानता कि उसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। भगवान गौतम बुद्ध ने जब मोबाइल यूनिवर्सिटियाँ खोली, चलती फिरती यूनिवर्सिटियाँ खोली, तो वो पढ़ाने के लिए अपने पास नहीं बुलाया करते थे लोगों को। उनके जो टीचर थे जिनको भिक्खु बोलते हैं, या उनकी जो टीचरें थीं जिनको भिक्खुणी बोलते हैं, या वो खुद जाते थे लोगों के पास में। वहाँ जाके जगह साफ़ करते थे, जंगल साफ़ करते थे, वहाँ 49 डेज तक पढ़ाया करते थे, और फिर पढ़ा के उन लोगों को कहते थे कि आप भी आगे पढ़ाओ। इस तरह से उन्होंने 50,000 टीचर बनाए थे, और उन्होंने पूरा नेटवर्क बनाया तब जब ना कागज़ था, ना अक्षर थे, ना साइकिल थी, ना रिक्शा था, ना मोटर कार थी, ना पेट्रोल थी, ना मोबाइल था, ना नेट था, ना टीवी था, ना रेडियो था। यानी पैदल चल चल कर, मुँह से बोल बोल कर उन्होंने पूरे भारत को पढ़ा दिया। इस बात का सबूत है कि अशोक ने जब शिलालेख लिखवाए तो शिलालेख को पढ़ने वाले लोग भी थे, यानी कि हमारे लोग पढ़ने वाले भी थे उस समय तक। तो जब समाज चला गया, सारी चीज़ें चली गई, शिक्षा चली गई, तो फिर वहीं खिंच के आ गए जो बाबा साहब ने दोबारा से दिया। अभी आप पढ़ गए, बहुत कम पैसे में पढ़ गए, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े या सरकारी कॉलेज में पढ़े, बहुत कम पैसा दे के पढ़ गए, बहुत अच्छा हुआ। आपको नौकरी मिल गई क्योंकि रिजर्वेशन था, बहुत अच्छा हुआ। आपके बच्चे पढ़ जाएंगे क्योंकि आपने उस नौकरी में पैसा लिया है, कमाया है। तो आप 1-2 लाख दे के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को 10-20 लाख दे के पढ़ा लेंगे। आपके बच्चे की नौकरी भी लग सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब नौकरी लगेगी तो कम पैसे पे वो नौकरी कर लेगा, 50,000 रुपये 30,000 रुपये पढ़ा लेगा, काम कर लेगा, मगर उसके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। एक तो उसका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपके बच्चे को प्राइवेट नौकरी मिलेगी, उसमें सैलरी कम मिलेगी, काम ज़्यादा करना होगा, तो वो आगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं दे पाएगा। और आपके पोता, यानी कि आपके बच्चे का बच्चा अगर पढ़ भी गया, पोती आपकी पढ़ भी गई, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो कास्ट बेस्ड नौकरी मिलती है। आपकी पहले सिफारिश चाहिए वहाँ। सिफारिश का मतलब है कि वो ये देखते हैं कि ये हमारी कास्ट का है या नहीं, हमारे समुदाय का है या नहीं है। तो पहली नौकरी उसको मिलती है जिसका इंस्टीट्यूट होता है और जिसके समुदाय का वो आदमी होता है। ये सारे प्राइवेट सेक्टर में चलता है, और ये ओपन चलता है कि अगर मेरा सेक्टर है, मेरी कंपनी है, तो मैं अपने ही जैसे लोगों को, अपने ही कास्ट के लोगों को रखूंगा। इसलिए आपका पोता या आपकी पोती अगर घर मकान बेच के पढ़ भी गया तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो मायूस हो जाएगा, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई, आपने सबको पढ़ाया नहीं, आपने शिक्षा का प्रसार नहीं किया, आपने पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया, या आपने थोड़ा बहुत किया भी तो आपने क्या किया कि आपने थोड़ा बहुत पैसा दे के कहीं कुछ अपना काम पूरा कर लिया, उससे नहीं बात बनेगी। आपको समय देना पड़ेगा, आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी। जो एजुकेशन बाबा साहब ने आपको दी है, आपको वही लोगों में बांटनी पड़ेगी, मरते दम तक बांटनी पड़ेगी, और पूरे परिवार को बांटनी पड़ेगी। और ये कंपलसरी इसलिए है, अगर आपको जीवित रहना है तो हमारे जीवित रहने का मत सोचिए। हम तो जैसे हैं ज़िंदगी काट लेंगे, मगर आप एक लेविश लाइफ में हैं, आप एक कंफर्टेबल जोन में हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपने इतना पैसा कमा लिया है कि अब आपके बच्चे एक जायदाद के मालिक हो गए, या एक इंडस्ट्री के मालिक हो गए, या वो एक फॉरेन में चले गए, या अच्छा पैसा कमा के वो अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, तो आपकी भूल है।
क्योंकि अशोक के समय 26% जीडीपी में हमारे पास पूरा देश था, पूरी जमीन थी, सारा पैसा था, सारी इंडस्ट्री थी। हमारा समाज टूटा तो वो सब चला गया। जिसका समाज टूटता है उसका बचा हुआ कितना भी पैसा है वो चला जाता है, उसकी कितनी भी एजुकेशन है वो चली जाती है। इसलिए समाज को बचाओगे तो बचोगे, समाज को बचाओगे तो तुम्हारे बच्चे बचेंगे, समाज को बचाओगे तो तुम्हारे पोते बचेंगे। वरना ये दुनिया की हिस्ट्री है कि जिसका समाज नहीं बचता उसका कुछ नहीं बचता, नाम भी नहीं बचता उसका, उसका नाम भी खत्म हो जाता है। तो आप बुद्धिजीवी हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, मगर आप प्रूव करो अपने आप को कि आप वास्तव में इंटेलेक्चुअल हो और बुद्धिजीवी हो। क्योंकि बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल बहुत सवाल करता है, मगर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या बाबा साहब ने नहीं कहा कि संगठित रहना है? ऐसा कौन सा बुद्धिजीवी है, ऐसा कौन सा प्रोफेसर और डॉक्टर है जो ये कहता है कि वो बाबा साहब से ज़्यादा बुद्धिमान है? अरे जब बाबा साहब जैसे व्यक्ति कहते हैं संगठित रहो, और जब बुद्ध ने पूरी दुनिया का सबसे पहला संगठन बनाया, संघ बनाया, जब काशीराज जी ने सबको इकट्ठा किया, जब 2 अप्रैल 1818 को आपको पता है कि सारे इकट्ठे हुए तो आपका अधिकार बच गया, तो आपको इतनी समझ तो आनी चाहिए, आप तो बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल हो, कि संगठन में शक्ति होती है, तो आप टुकड़ों में क्यों टूटे हुए हो? इस काम को करेगा कौन आपको इकट्ठा करने के लिए? क्या ऊपर से अफलातून आएगा? आप जब अपने आप को इकट्ठा नहीं कर सकते तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? समाज आपके साथ में तब खड़ा होगा जब आप इकट्ठे होगे और बाबा साहब की बात मानोगे। आप सोचते हो कि आप टुकड़ों में टूट के आप बच जाओगे, कोई नहीं बचेगा। यहाँ एक नेटवर्किंग का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, सारे इंजीनियर्स इकट्ठे हो रहे हैं, सारे सर्विसेज वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बेरोजगार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सारे बुद्ध विहार इकट्ठे हो रहे हैं, सारे कबीर भवन इकट्ठे हो रहे हैं, सारे अम्बेडकर भवन इकट्ठे हो रहे हैं, लोग उसमें लगे पड़े हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, बुद्धिजीवी को होते हुए ऐसा सिद्ध कीजिए कि आप सब इकट्ठे हैं और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के दीजिए, पूरी नेटवर्किंग, सारी यूनिवर्सिटियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें जो स्टूडेंट हैं सारे जुड़े हुए होने चाहिए, उसमें जो स्टाफ है जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपकी एक नेटवर्किंग होनी चाहिए। अभी भूल जाइए, आप सोचते हैं कि आपने 4 किताबें लिखी तो आपका काम पूरा जीवन में ख़त्म हो गया। जब किताब पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो उन किताबों का करोगे क्या? आपने सोचा कि हम तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लेक्चर देने वाले हैं, हमने तो बड़ा अच्छा लेक्चर दिया है, जब लेक्चर सुनने वाला ही नहीं होगा तो आप उसका लेक्चर का होगा क्या? आप सोचते हैं कि आपने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया, एक बहुत बढ़िया भाषण दिया, भाषण देने चले आए आप दूर दूर जाके भाषण देते हैं, जब भाषण सुनने वाले ही नहीं बचेंगे तो आपका भाषण देने का फ़ायदा भी क्या है? भाई आप बुद्धिजीवी हो जब सामने इस बात को मानने वाले होंगे ही नहीं, लोग ही नहीं होंगे, तो काय का बुद्धिजीवी और कैसा बुद्धिजीवी? इसलिए पहली कंडीशन है कि बचना चाहिए, हमको जीवित रहना चाहिए, और जीवित रहने के लिए हमको इकट्ठे होना चाहिए, और इकट्ठे होने के लिए इसकी शुरुआत को बिना सोचे समझे हमें करना चाहिए, और बहुत तेज़ी से। वी द पीपल एक ऐसा अम्ब्रेला है जहां आप इकट्ठे होकर एक यूनिट में आ सकते हैं। वी द पीपल के नीचे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, आप मत आइए उस अम्ब्रेला के नीचे, अपना तो यूनिट बनाइए। आपका ईगो अहम हो सकता है, मगर इतना तो मत ईगो अहम लेके आइए कि आपकी मौत के कारण बन जाए। जब आप चिल्लाते हो कि हमारी नौकरियाँ चली गई, जब आप चिल्लाते हो कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन है, जब आप चिल्लाते हो कि हमें एडॉप पर रखा गया है, जब आप चिल्लाते हो कि हमारा बहुत ज़्यादा अधिकार मार लिया गया है, तो इसे बचाएगा कौन? आपका समाज बचा सकता है, क्योंकि समाज ने ही पहले बचाया है और समाज ही बाद में बचाएगा। मगर अगर आप समाज को नहीं बचाओगे, आप समाज से नहीं जुड़ोगे, तो फिर समाज बचाने की पोजिशन में रहेगा नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने इंटेलेक्चुअल, जितना भी आपका, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्लास है, उसका एक प्रेजेंटेशन दीजिए, उसका एक परिचय दीजिए, उसको लोगों को बताइए कि हम सब इकट्ठे हैं, और ये जितनी जल्दी हो सके उतना कीजिए। धन्यवाद।